वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम नीलेश कुशवाहा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को आप एक वर्ड में वल्वा भी कह सकते हैं। ओके, वल्वा वर्ड मेनली यूज किया जाता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एक फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। ओके, इसमें सबसे पहला एक मस्कुलर फोल्डिंग वाला पार्ट होगा। जिसको हम कहेंगे लेबिया मेजोरा। लेबिया मतलब क्या? लिप लाइक। मेजोरा मतलब क्या? मेजर, बड़ा। तो एक लिप लाइक बड़ा सा एक पार्ट होगा, एक मेजर पार्ट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? लेबिया मेजोरा कहेंगे। ओके, लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा। यह भी एक फोल्डिंग होती है, एक मस्कुलर फोल्डिंग होती है जो लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होती है। अब अगर हम और भी अंदर जाएं तो यहां पर हमको मेनली एक फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो ओपनिंग देखने को मिलती है, जिसमें ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, एंड नीचे प्रेजेंट होता है क्या? वेजाइनल ओपनिंग। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, तब हमने वहां पे देखा था कि मेनली क्या होता है कि मेल्स में जो स्पर्म है, ओके, एंड जो यूरिन है, तो यूरिन एंड स्पर्म को, ओके, इनको बॉडी से बाहर करने के लिए मेनली वहां पर क्या होता है कि एक ही ट्यूब या एक ही पाथ होता है वहां पे। ओके, ओनली यूरेथ्रा होता है और यूरेथ्रा के थ्रू ही मेनली स्पर्म को, या हम कहें सीमेन को, जो स्पर्मेटिव फ्लूड है, उस स्पर्म को एंड यूरिन को बॉडी से बाहर किया जाता है। ओके, यूरेथ्रा के थ्रू। लेकिन यहां पर जब फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम देखें तो यहां पर हमको टू ओपनिंग्स दिखाई देती है। यूरेथ्रल ओपनिंग मेनली यूरिन के, ठीक है, यूरिन को बॉडी से बाहर करने के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, एंड जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होगा, मेंस्ट्रुअल जो फ्लूड होगा, उसको बॉडी से बाहर करने के लिए, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूड के लिए, मेनली वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखिए क्या कि यहां पर एक इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ एक क्लाइटोरिस प्रेजेंट होगा। ओके, एंड क्लाइटोरिस के ऊपर प्रेजेंट होता है फैटी टिश्यू से बना हुआ मॉन्स प्यूबिस। ओके, तो एक फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मेनली हमने देखा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड मॉन्स प्यूबिस, और दो ओपनिंग हमने देखी, वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। इसके अलावा हमको वेजाइना के या वेजाइनल ओपनिंग, जिसको हम वेजाइनल ऑरिफिस भी कहते हैं, इसके ऊपर हमको कुछ मेम्ब्रेनस कवरिंग दिखाई देती है। ओके, कुछ मेम्ब्रेनस कवरिंग दिखाई देती है, और इस मेम्ब्रेनस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइमेन। ओके, अभी हम इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेनली होता क्या है कि वेजाइनल जो ओपनिंग होती है वो हाइमेन की एक मेम्ब्रेन के द्वारा ढकी होती है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या कुछ चीजों को मेंशन किया है, उसको हम समझते हैं। ओके, तो देखिए, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, हमने देखा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ओके, सबसे पहले देखते हैं मॉन्स प्यूबिस को। ओके, मॉन्स प्यूबिस वाले पार्ट्स को हम समझते हैं। अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, हमने देखा था कि फैटी टिश्यू से मेनली मतलब फैटी टिश्यू से मेनली बना होता है यह पार्ट। इस पार्ट में मेनली फैटी टिश्यू देखने मिलते हैं एंड कवर्ड बाई फैटी स्किन एंड प्यूबिक हेयर। और इस पार्ट में, मॉन्स प्यूबिस वाले पार्ट में मेनली क्या होता है, यहाँ पर फैटी स्किन, ओके, फैटी स्किन एंड प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है यह जो पार्ट है मॉन्स प्यूबिस का, यह फैटी स्किन एंड प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। ओके, लेबिया मेजोरा, क्लियर, लेबिया मेजोरा हम समझते हैं। लेबिया मेजोरा में मेनली क्या होगा, लेबिया मेजोरा आर फ्लैसी
फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। लेबिया मेजोरा वाला जो पार्ट है वह क्या है, फ्लैसी फोल्ड्स है, अगर मसल से बना हुआ फ्लैसी फोल्ड होता है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, और यह क्या होता है प्यूबिस वाले रीजन से एक्सटेंड डाउन होता है, मतलब नीचे की ओर प्रेजेंट होता है, ओके, एंड सराउंडिंग द वेजाइना, और यह क्या करता है कि इस वेजाइना को मेनली सराउंड करता है, क्लियर, ओके, या हम कहें वेजाइनल ओपनिंग को, वेजाइनल ओपनिंग को, क्योंकि देखिए वेजाइना तो मेनली क्या होता है, यह इंटरनल प्रेजेंट होता है, एंड वेजाइनल ओपनिंग जो है वह मेनली एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होता है। तो यह जो आपका लेबिया मेजोरा वाला जो पार्ट है वह वेजाइनल ओपनिंग को क्या करता है, सराउंड करता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल ओपनिंग को ही कहते हैं। लेबिया मेजोरा कंसिडर्ड टू बी होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ द मेल। देखिए ऐसा माना जाता है कि लेबिया मेजोरा वाला पार्ट वही पार्ट होता है, ओके, जो मेनली एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम होता है, या हम ऐसे समझे कि जिस पार्ट से मेनली मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम बनता है, उसी पार्ट से मेनली क्या होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेबिया मेजोरा बनता है, क्लियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, लेबिया माइनोरा, क्लियर, द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स, ओके, लेबिया माइनोरा भी क्या होते हैं पेयर्ड फोल्ड्स है, ओके, पेयर में प्रेजेंट है, पेयर फोल्ड्स है, पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा। हमने देखा कि लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट है लेबिया माइनोरा, क्लियर। अब देखते हैं क्या हाइमन, या एक हाइमन जो मेम्ब्रेन है उसको हम समझते हैं, क्या कुछ चीजें एनसीईआरटी ने लिखी है उसको हम देखते हैं। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ओके, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, या हम क्या कहते हैं इसको, वेजाइनल ओरिफिस भी कहते हैं, ओके, तो द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। तो हमने बात किया है कि जो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओरिफिस होता है, वह एक मेम्ब्रेन से अक्सर कवर होता है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं, क्लियर। चलिए देखते हैं क्या क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के बारे में क्या कुछ चीजें लिखी हुई है एनसीईआरटी ने उसको हम समझते हैं। द क्लाइटोरिस इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेरिया में जो क्लाइटोरिस होता है वह एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा, ओके, मतलब क्या कि लेबिया माइनोरा के जो जंक्शन होगा, लेबिया माइनोरा का जो जंक्शन होगा वहां पर मेनली प्रेजेंट होगा क्या, क्लाइटोरिस, और यह जो क्लाइटोरिस है यह क्या होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा। एबो द यूरेथ्रल ओपनिंग, यह यूरेथ्रल, ये देखिए आप यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, क्लाइटोरिस, सॉरी, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस, ओके, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यू, ओके। अब देखिए क्या कि क्लाइटोरिस में मेनली क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और यह जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं एक्साइटमेंट के दौरान एक फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेरिया में क्लाइटोरिस मेनली क्या होगा, इरेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने मेल्स में देखा था, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि मेल्स के पेनिस में मेनली प्रेजेंट थे आपके इरेक्टाइल टिश्यू, जो एक्साइटमेंट के दौरान मेल्स में आपके पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। सेम वही चीज है यहाँ पर, क्लाइटोरिस में भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो एक्साइटमेंट के दौरान क्लाइटोरिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं, ओके, मेल्स में जैसे एक्साइटमेंट में पेनिस इरेक्ट होता है, ठीक उसी तरह फीमेल्स में क्लाइटोरिस इरेक्ट होगा, ओके। हैव नो ओपनिंग, बट हमने देखा था कि पेनिस में एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम कहते थे यूरेथ्रल मीटस, जबकि क्लाइटोरिस में किसी भी टाइप्स की ओपनिंग देखने को हमको नहीं मिलती। हैव सेंसरी ग्लांस, ओके, इसमें सेंसरी ग्लांस होता है, मतलब क्लाइटोरिस जो है वह स्किन से ढका होगा, उसको हम कहते हैं सेंसरी ग्लांस बोलते हैं, ओके। प्यूबिस, प्यूबिस मतलब का लाइक पेनिस ऑफ मेल, ओके, तो हमने बात किया है कि मेल्स में मेनली जो पार्ट पेनिस को बनाता है, फीमेल्स में वही पार्ट मेनली क्लाइटोरिस को बनाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या
द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस। जो हाइमन होता है फीमेल्स में, यह मेनली क्या होता है कि फर्स्ट जो इंटरकोर्स होगा, ओके, फर्स्ट जो इंटरकोर्स होगा या फर्स्ट जो कॉइटस होगा, उस टाइम पे जनरली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जनरली टूट जाता है, जनरली फट जाता है, ओके। बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है या ऐसा हमेशा हो यह भी जरूरी नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन, यह और भी कई कारणों से भी टूट सकता है, ओके। जैसे देखिए बाई सडन फॉल, अचानक गिरने से, ओके। इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पॉन, एक वेजाइनल टेम्पॉन होता है उसको वेजाइना में इंसर्ट करने से भी ये ब्रेक हो सकता है, ये टूट सकता है। हॉर्स बैक राइडिंग, ओके, तो हॉर्स बैक राइडिंग से भी ये टूट सकता है, ओके। साइकिलिंग वगैरह से भी, मतलब क्या है कि देखिए जो हाइमन है यह ओनली फर्स्ट कॉपुलेशन से या फर्स्ट क्वार्टर से या हम कहें फर्स्ट इंटरकोर्स से ही टूटे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और भी कई सारे कारण हैं जिसके कारण मेनली फीमेल्स में हाइमन का जो मेम्ब्रेन है वह टूट सकता है, वह ब्रेक हो सकता है, ओके, है ना, या फट सकता है हम कहें। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वार्टर्स। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने साफ साफ इस चीज को मेंशन किया है कि कुछ वुमन्स में क्या होता है कि हाइमन जो है क्वार्टर्स के बाद भी प्रेजेंट होता है, है ना। तो हाइमन मतलब, कहने का मतलब यह है कि हाइमन की प्रेजेंस या हाइमन की अब्सेंस कभी भी इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि जो भी फीमेल है, है ना, जो भी फीमेल है वह वर्जिन है या वर्जिन नहीं है। एक्चुअली क्या होता था कि पहले क्या किया जाता था, पहले काफी पहले, अभी भी कुछ रीजन्स में ऐसा होता है कि हाइमन की प्रेजेंस या अब्सेंस के बेस पे मेनली किसी फीमेल को वर्जिन माना जाता है या नहीं माना जाता, ओके। जैसे हाइमन प्रेजेंट है तो उसको वर्जिन माना जाएगा, हाइमन प्रेजेंट नहीं है या टूट गया है तो उसको वर्जिन नहीं माना जाता, ओके। तो ये बिल्कुल गलत है, ओके। यह कई कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह से भी और कई और भी कारण हो सकते हैं जिससे यह टूट सकता है। तो वर्जिनिटी का इंडिकेटर बिल्कुल नहीं है या वर्जिनिटी का साइन हाइमन का प्रेजेंस अब्सेंट नहीं होता, क्लियर। चलिए देखते हैं, यही बात लिखी हुई है, द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो देखिए इस बात को एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है कि हाइमन की प्रेजेंस या अब्सेंस कभी भी ओके वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होती, ओके, या हम कहें सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर कभी भी हाइमन की प्रेजेंस या अब्सेंस नहीं होती, ओके। तो स्टूडेंट्स, आई होप सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू।